नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं हूँ श्रद्धा, आवर एजुकेशन से लेटेस्ट अपडेट के साथ। पाकिस्तान की आतंकियों की सूची में दाऊद का नाम, विदेश यात्रा पर भी लगाया बैन। दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तान से ओर जारी नामित सूची में शामिल है। सबसे खास बात यह है कि पाक सरकार की ओर से जारी सूची में दाऊद के नाम के साथ दस्तावेज में उसका पता व्हाइट हाउस कराची बताया गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अपने यहाँ दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को लेकर इनकार करेगा। पाकिस्तान अब तक दाऊद के अपने यहाँ होने की बात से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान सरकार की ओर से आतंकी संगठनों पर बैन का आदेश 18 अगस्त को जारी किया गया था। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम समेत हाफिज सईद और मशहूर अजहर जैसे आतंकियों और आतंकी संगठनों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। यहां तक कि उनकी विदेश यात्राओं पर भी बैन लगा दिया गया है। WHO ने बताया कब खत्म होगा कोरोना का कहर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को कहा कि आशा है कि दो साल में कम वक्त में कोरोना वायरस धरती से खत्म हो जाएगा। COVID-19 से कम वक्त में समाप्त हो जाएगा। WHO प्रमुख टेड्रेस अधानोम थेब्रेस के शुक्रवार को जेनेवा स्थित संगठन के मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि 2 साल से कम वक्त में कोरोना महामारी धरती से खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि 1918 में फैली महामारी से कम वक्त में कोरोना खत्म हो जाना चाहिए। संगठन के प्रमुख ने आगे कहा कि उस समय की तुलना में आज सभी देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से भी कोरोना महामारी तेजी से फैली है। यहाँ ये कहना भी जरूरी होगा कि उस समय की तुलना में हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं और हमारे लिए फायदेमंद है। डोनाल्ड ट्रंप ने रोकी फंडिंग, तो WHO के डायरेक्टर जनरल का आया बयान। बोले, हम अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर, उन्होंने कहा, संसाधनों को खत्म प्रयोग और आशा करेंगे कि हमारे पास अतिरिक्त संसाधन जैसे वैक्सीन हो, तो मुझे लगता है कि हम इस 1918 में फैले बुखार से कम वक्त में खत्म कर कामयाब होंगे। गौरतलब है कि भारत समेत दुनिया भर में 180 से ज्यादा देशों में इस महामारी का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 2.26 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलें।